दोस्तों मेला में इतना कुछ खाने को है लेकिन ये कचरी के लिए मार कर रहा है भाई। कचरी खाना जरूरी है, कचरी खाता है। चलो छोला खाते हैं। चलो तो फाइनली हम लोग खरीद चुके हैं तेजपात और यहाँ से निकलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ फुलहर गिरजा स्थान में, जानकी मंदिर पर, जहाँ पर सीता जी का सबसे पहला मुलाकात हुआ था राम जी से। इसी वाटिका में यहीं पर वो फुलहर है, यही वो मंदिर है गिरजा जी का, देख सकते हैं आप। यही वो मेन मंदिर है जानकी जी का, सीता मैया का। और काफी क्राउड है यहाँ, भीड़ है मेला में, आप देख सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बजगोरी हमर मिथिला में। दोस्तों हमारा जो घर का ऑर्डर था और सभी लोगों के लिए घर में जो जरूरत होने वाली डेली का चीज है, कथी किना लिए जो? हाँ तो डोरे किना लिए मन कनिया ला पत्र है। डोरे नहीं किना लिए, काम का चीज है। हम के कहने मतलब बड़ा मेला में आल छी तो ल लेबे ने फिर अगले साल। एक साल तो चलते नहीं कम से कम। हम तो 1 किलो किन कर गए जी जाने करते। 1 किलो लाल से किन का, देखिए झूठ बोल रहा है। 1 किलो 1 किलो मिलता है क्या? 20 मिला है 20 रुपए का। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गिरजा स्थान मंदिर और बाइक को कर दिए हैं पार्क स्टैंड में। अब यहां से चलते हैं मंदिर की ओर। ये हमारे स्टैंड के इंचार्ज हैं, इनसे आप परिचित हो जाइए। देख लीजिए हम लोग यहां बाइक लगा दिए, अब निकलते हैं मंदिर की तरफ, करते हैं प्रस्थान यहां से। फुलहर मेला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ देख सकते हैं आप, इधर जो हमारे भाई साहब हैं बाइक लगाए हैं तो बाइक का नंबर और नाम भी लिख रहे हैं बजाबते। तो ये अच्छी व्यवस्था है यहाँ इनका। चलते हैं अब मेला। तो यहाँ पर हमारे पुराने मित्र मिल गए हैं मेला में, देख लीजिए। इन्होंने मीना बाजार लगा दिया है, पप्पू जी हैं हमारे यहाँ पर। इनका जो ये सवारी साधन है उस पर लगा दिए हैं मीना बाजार। हाय दोस्तों, पप्पू भाई। हाँ राजेश भाई, की सब कर रहा थी मेला में? यहाँ फुलहर में कते भीड़ भड़का है ऐसे बतबियो। देखियो अखन अपना सबके मिथिलांचल में एक फुलहर जगह है जो प्रसिद्ध है। रामायण के कोनो बात चलते तो सबसे पहले अहाँके जानकी मंदिर और फुलहर के बात है। सीता जी पहली बार फूल अतः आयल छथिन फूल लो रहले गिरजा स्थान, जतः से राम जी के और सीता जी के पहली बार जे एक दोसर के देखलखिन से वो जगह या छे फुलहर। आ वही जगह पर हम खिलौना सब बेचे छी, प्लास्टिक के सामान सब बेचे छी, रोटी धरे वाला सब बेचे छी। देखिए देखिए कितने खुश है हमारे पप्पू भैया। मेला में फुलहर गिरजा स्थान में आ चुके हैं, यहाँ पर अपना कैंप लगा दिए हैं। यहाँ इनका मीना बाजार का दुकान है, कितना अच्छा लग रहा है। और चलते हैं मेला हम लोग यहाँ से, बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारे ग्रामीण है फुलहर मेला में किस तरीके से मीना बाजार सजाए बैठे हैं, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों। यही है वो जानकी मंदिर गिरजा स्थान फुलहर। हमारे मित्र देखिए क्या खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। छोटा सा चश्मा, ये है बांसुरी, और इधर ये देखिए हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। ये हमारे बटोही चाचा जो कि यहाँ पर फुलहर मंदिर में लगा दिए हैं जलेबी का दुकान, आप देख सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छा इनका जलेबी है, इधर ताई में गर्मा गर्म जलेबी बन रहा है। ये बटोही चाचा हैं जो कि हिसार से आकर फुलहर में गिरजा माई के मंदिर पर फुलहर मेला में लगा दिए हैं अपना जलेबी का स्टोर। और उधर है बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स जोन, उधर है हनुमान जी का मंदिर, और ये रहा जानकी मंदिर गिरजा स्थान फुलहर। माँ सीता का जो मंदिर है मेन वही है। छोला यहाँ देखिए हर एक माल 20 रुपया। ये ले रहे हैं अपनी पत्नी के लिए कार, बच्चों के लिए देख लीजिए क्या खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं भाई? 100 रुपया। कहे हर एक माल 20 रुपया। हर एक माल 20 रुपया। देखिए दुकानदार थक गए हैं और खुद भी खाने के लिए बैठ गए हैं यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग खरीद चुके हैं तेजपात और यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों हमारा जो घर का ऑर्डर था और सभी लोगों के लिए घर में जो जरूरत होने वाली डेली का चीज है, कथी किना लिए जो? हाँ तो डोरे किना लिए मन कनिया ला पत्र। डोरे नहीं किना लिए, काम का चीज है। हम के कहने मतलब बड़ा मेला में आल छी तो ल लेबे ने फिर अगले साल। 1 साल तो चलते नहीं कम से कम। हम तो 1 किलो किन कर गए जी जाने करते। 1 किलो लाल से किन का, देखिए झूठ बोल रहा है। 1 किलो 1 किलो मिलता है क्या? 20 मिला है 20 रुपए का। इतना बंडल फुलहर मेला आए और ये पत्रक नहीं लिए ना तेजपात तो आप कुछ नहीं किए। तो यहाँ फुलहर मेला में जो है प्रसिद्ध है, हर साल यहाँ पर नेपाल से लोग आते हैं और यहाँ पर तेजपात बेच कर जाते हैं, और यहाँ की जो महिलाएं हैं लोकल यहीं से तेजपात लेते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम बगान, चाय का बगान, तेजपात के बगान में ही आ गए हैं। तो यहाँ काफी अच्छा लग रहा है, हम भी खरीद लेते हैं कुछ यहाँ से, तब निकलते हैं अपने घर के लिए। यहाँ देखिए हर एक माल 20 रुपया। ये ले रहे हैं अपनी पत्नी के लिए कार, बच्चों के लिए देख लीजिए क्या खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं भाई?
100 रुपया कहे हरेक माल 20 रुपया हरेक माल 20 रुपया। तो यहाँ से शुरू होता है मंदिर जाने का प्रक्रिया। यहाँ पर लोग हाथ पांव धोकर आते हैं और फूल लेते हैं और यही वो मेन गेट है जहाँ से इन करते हैं लोग श्रद्धालु। और यहाँ खास बात एक और है, यहाँ आप देख सकते हैं बैगन का भार है जो कि वर्षों से यहाँ इसकी अलग महत्ता है। यही वो बैगन का भार है जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है वर्षों से। किसी भी लोगों को अगर कोई मानता हो कोबला हो तो ये झांप है और ये बैगन का भार यहाँ पर जो है माता का प्रसाद है और चढ़ावा है चढ़ता है। तो हम लोग प्रवेश करते हैं मंदिर में, हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको आगे का दृश्य। यहाँ पर चप्पल जूता हम लोग उतार लेते हैं और यही वो मेन मंदिर है, गिरजा माई का मेन मंदिर यही है, यहीं से हम लोग इन करेंगे। यही वो मेन गेट है फुलहर गिरजा स्थान, गिरजा मंदिर है फुलहर। हमारे ये कैमरामैन है जो कि हमसे आगे आगे ही चलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो दर्शन कर लीजिए हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से। अगर आप पहले भी आ चुके हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा ये जगह कैसा लगता है आपको। हरलाखी का एकमात्र शक्तिपीठ है दुर्गा स्थान उच्चैठ और दूसरा ये गिरजा स्थान फुलहर जानकी मंदिर। काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पर, काफ़ी भव्य पंडाल पूजा यहाँ पर मकर लगता है। 5 संडे को यहाँ पर मेला लगाया जाता है। आज देखिए ये वो का 20-20 रुपए पीस करते जो है, एक का 20 रुपया बता रहा है। नेपाल से जो यहाँ देख सकते हैं काफी रंग बिरंगा हथियार औजार बिना लाइसेंस का ये लोग जो है बेच रहा है यहाँ पर। देखिए घरेलू सामान महिलाएं किस तरीके से खरीद रही हैं, हंसुआ खुरपी झांस छोलनी करछुल तिहारी कुरहारी रेजर बटर छिलना कटना क्या क्या नहीं है दोस्त यार। दो दहन है 5 रुपया कम में लियो दो दियो। नहीं नीमन आदमी है दो है। तो यहाँ से पूरा कवर हो रहा है मंदिर और कैंपस और मेला। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा भीड़ है यहाँ पर। आज बच्चों के लिए उधर फन जोन बनाया गया है, बच्चे वहाँ एंजॉय करते हैं। वही पीछे है न्यू बाग बगीचा, वही है जो यहाँ पर बगीचा सीता जी का जहाँ फुल्लोरी करने आती थी और राम जी से मिलन हुआ था, यही वो जगह है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेला कितना अच्छा सजाया गया है दोस्तों। अब यहाँ से हम बिता लेते हैं, इधर फल फूल है गेट पर और यहाँ से अब निकलने का प्रयास करते हैं हम।